फेडरेशन में कार्यकर्ता सीट शेयरिंग की हो रही अनदेखी के चलते अब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन के प्रधान तिलक चंद ने बताया कि पिछले 10 से 15 वर्षों से हमारा शोषण किया जा रहा है, हमसे जंगलों और कठिन स्थानों पर सीट शेयरिंग का काम करवाया जा रहा है, लेकिन बुल फेडरेशन ने अपना कर्मचारी नियुक्त करने हेतु पद सृजित करने से इनकार कर रहा है, जिसके लिए हमें अपने पशुपालन मंत्री से भी मुलाकात की और धर्मशाला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को भी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। अगर जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो हमें और भी उग्र प्रदर्शन करने पड़ेंगे। जैसे मतलब हमारे हम बोर्ड फैसल में 12-13 साल मतलब इसमें लगे हुए होते हैं, लगे हैं जी। हमारे को बोर्ड फैसल है वो हमें सरकारी कर्मचारी नहीं मान रहे हैं जी। इसके आधार पर मैंने जो है हड़ताल की है तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला जी। हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, हमें इतने साल हो गए, 10-12 साल लगे हुए इसमें, तो हमें अब सरकारी कर्मचारी घोषित करें जी। मांगे हमारी मांगे मतलब हम सरकार से हमें बस ये हम ये चाहते हैं कि मतलब सरकार हमें ये कर ले। 2017 में उन्होंने 3 बंदे जो वो कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिए और जो हम 14 बंदे थे 11 बंदे को बाहर निकाल दिया और उन्होंने बोला कि आपका काम हम 3 महीने में कर देंगे और उन्होंने अभी पशुपालन विभाग में आपको रख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। लेकिन हमने पिछले साल भी स्ट्राइक की थी और मंत्री से मिलने के बाद हमने स्ट्राइक जो हड़ताल थी वो स्थगित कर दी। स्थगित करने के बाद हमने 3 सीजन जो वो कार्य किया। जब 1 साल के बाद हम पशुपालन मंत्री से मिले तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप सीधे मुख्यमंत्री से मिलो। हम मुख्यमंत्री से मिला मैं मिले या धर्मशाला में भी मिले और इसका कोई जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। स्थितकालीन हड़ताल पर हम काम ही नहीं करेंगे मतलब, और इससे जो नुकसान है वो भेड़ पालकों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ भरमौर से लेकर कुल्लू तक सभी भेड़ पालक जो है वो ऐसे खड़े भूल फेडरेशन के सिर का इंतजार करने के लिए।